हेलो व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लासिक्स हिस्ट्री चैप्टर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। शंकरन एक दिन सुबह उठा तो उसने अपने ग्रैंड पेरेंट को देखा कि वो बहुत जल्दी से रेडी हो रहे हैं वोट देने के लिए और सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं वो पोलिंग बूथ पे। तो शंकरन ने बोला, अरे दादाजी दादी जी, आप क्यों इतने एक्साइटेड हो, एक वोट ही तो देने जाना है। तो उसके दादाजी बोलते हैं, तुम्हें पता है मैं अपना रूलर चूज करने जा रहा हूँ, तो एक्साइटेड तो होऊंगा ना मैं। इस स्टोरी को सुन के आपके माइंड में डाउट आया कि पहले के टाइम पे रूलर्स को कैसे चूज किया जाता था, तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे चूज किया जाता था पहले के टाइम पे रूलर को। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ सम मैन्स बिकेम रूलर्स। पहले के टाइम पे रूलर्स कैसे बनते थे। हमें आज के टाइम का तो पता है कि वोटिंग सिस्टम होता है, तो ये वोटिंग सिस्टम तो 50 ईयर से चला हुआ आ रहा है, लेकिन उससे पहले के टाइम पे क्या होता था वो हम देखेंगे। तो 3000 ईयर्स पहले क्या हुआ करता था कि जो राजा होते थे ना, वो बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइस करते थे, यानी कि जैसे हवन करना और बलि देना, तब जाके वो राजा बना करते थे। मैं एक और सैक्रिफाइस के बारे में बताया, अश्वमेधा, यानी कि राजा जो होते थे वो अपने हॉर्स को ऐसे ही फ्रीली छोड़ देते थे किसी एक पर्सन के साथ, जो कि राजा का पर्सन होता था। और वो जिस जिस राज्य में जाता था ना वो हॉर्स, तो उस राज्य को ये माना जाता था कि वो उस राजा से डरते हैं जिनका हॉर्स है, मतलब कि जिसका हॉर्स है वो स्ट्रॉन्ग राजा माना जाता था। लेकिन अगर इन केस किसी ने भी इस हॉर्स को स्टॉप किया, तो उस राज्य के राजा से, जो हॉर्स वाला राजा है, उसकी लड़ाई होने स्टार्ट हो जाती थी। अब जो लोग इसको मतलब रोकते नहीं थे, हॉर्स को जाने देते थे अपने किंगडम से, तो वो समझते थे कि हाँ जो जिसका हॉर्स है वो स्ट्रॉन्गर है। तो उन राजाओं को फिर राजा अपने यज्ञ में बुलाया तक करता था, और वो कुछ उसको गिफ्ट भी दिया करते थे राजा को, जो पंडित वगैरह है वो यज्ञ करवाया करते थे। जो यज्ञ होता था उसका सिर्फ सेंट्रल फिगर था वो राजा हुआ करता था, मतलब मेन जो पर्सन था वो राजा हुआ करता था यज्ञ में। राजा के लिए एक स्पेशल सीट भी बनाई जाती थी, जो कि किसी एनिमल या टाइगर की स्किन का होता था, और रथ भी मंगाया जाता था। और उनके जो कुछ वाइफ्स और सन्स होते थे ना, वो भी इस रिचुअल को परफॉर्म करते थे, लेकिन छोटे छोटे रिचुअल्स को, इतने बड़े रिचुअल्स को नहीं। और जो बाकी राजा जो आते थे उस यज्ञ में, वो एक तरीके से दर्शक हुआ करते थे, और वो देखा करते थे कि कैसे कैसे यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ को परफॉर्म कौन कराता था, जो प्रिस्ट होते थे, पंडित होते थे, और वो कुछ गंगा जल वगैरह भी छिड़का करते थे किंग के ऊपर। और जो नॉर्मल पीपल होते थे, जैसे ऑर्डिनरी पीपल, उन्हें बोला जाता था वैश्य, जो कि गिफ्ट लेकर आते थे राजा के लिए। और जो शूद्र होते थे उनको तो बुलाया ही नहीं जाता था, वो इन सब चीजों से अलग ही रहते थे। वर्णास, अब जो बुक्स हुआ करती थी ना उस टाइम पे, वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया की हुआ करती थी, जो गंगा और यमुना वाला एरिया है, जैसे कि वैदिक बुक भी जो थी, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा, सामवेदा, ये सारी नॉर्थ इंडिया वाली साइड की थी। ये बुक जो है प्रिस्ट ने लिखी थी, यानी कि पंडितों ने लिखी थी इन बुक। इस टाइम पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के लोग होते थे, जैसे कि प्रिस्ट, वॉरियर्स, फार्मर्स। वॉरियर होते हैं योद्धा जो लड़ाई करते हैं, फार्मर्स, हर्डर, चरवाहे, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग, फॉग और फॉरेस्ट पीपल हुआ करते थे। तो जो कुछ प्रिस्ट और वॉरियर होते थे ना, वो रिच माने जाते थे इस टाइम पर, और जो फार्मर्स और ट्रेडर्स होते थे वो भी। और जो बाकी लोग होते थे, जैसे हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉग, हंटर्स, ग्रैदर्स, ये पुअर माने जाते थे, ये लोग गरीब होते थे। प्रिस्ट ने, यानी कि ब्राह्मण लोगों ने, लोगों को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसे बोलते हैं वर्णास। जैसे कि फर्स्ट वर्णा में, वो तो अब जब खुद ही बना रहे हैं तो अपने आप को ही फर्स्ट पे रखेंगे, तो फर्स्ट वर्णा में ब्राह्मण हुआ करते थे और कहा करते थे कि हम ही वेदास पढ़ेंगे, जितने भी वेद हैं हमें ही हक है, जो हम अच्छे से इसको स्टडी करेंगे और लोग हमें गिफ्ट दिया करेंगे, मतलब सारा कुछ इन्होंने अपने फेवर में ही कर लिया था। सेकंड पे कौन आएंगे, जो रूलर्स होंगे, यानी कि किंग वगैरह,
जिनको क्षत्रिय बोला जाता है, और जो फाइट करते हैं, बैटल करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को। और जो थर्ड टाइप के पीपल थे ना, वो थे वेश और वैश्य, यानी कि जो हर्डर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, फार्मर होते हैं, उन्हें माना गया। और जो लास्ट वाला जो था शूद्र, यानी कि जो सबसे पुअर और जिनको कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती है, वो सिर्फ एक नौकरों की तरह काम करते हैं। और इस कैटेगरी में वुमेन्स को भी रखा गया, और इनको कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे ये, और वेदास भी नहीं पढ़ पाते थे, मतलब इनके साथ तो गलत ही हो रहा था ना। तो प्रिस्ट ने ये सब चीजें किस अकॉर्डिंग डिसाइड किया? इन्होंने बोला कि बर्थ के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी अगर होगा तो वो भी ब्राह्मण माना जाएगा, और अगर शूद्र का बेटा होगा तो शुद्ध माना जाएगा। और धीरे धीरे करके फिर अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का भी चलने लग गया, कि ये नीच जाता है, ये ऊंच जाता है, तो ये सारी चीजें स्टार्ट होने लग गई थी। अब जो अनटचेबल में थे वो थे क्राफ्ट पर्सन, हंटर और गैदरर्स, और उन पर्सन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया जो बरियल्स और क्रीमेशन में हेल्प किया करते थे, यानी कि जो डेड बॉडीज को जलाने में हेल्प करते हैं ना, लकड़ी वकड़ी लेकर आते हैं, तो उनको भी अनटचेबल में बताया गया। अब इन्होंने ऐसे तो कर दिया, फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया लोगों को, लेकिन कुछ लोग थे वो इस चीज के अगेंस्ट थे, बोलते थे कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, किंग तो सुपीरियर होते हैं। किंग्स ने बोला हम तो सुपीरियर हैं और तुमने फर्स्ट पे अपने आप को रख लिया, ये तो गलत है। किसी ने बोला कि आप जो है बर्थ के बेसिस पे कैसे डिसाइड कर सकते हो, किसी ने बोला कि ये तो गलत है, आपको ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग रखना चाहिए कि लोग कैसे क्या काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए, ये तो आपने गलत किया है, और सबको रिचुअल परफॉर्म कर देना चाहिए, मतलब कि सब लोग यज्ञ वगैरह कर सके, और अनटचेबिलिटी को तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, ये सब चीज़ें तो बहुत ही गलत है। लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट पार्ट में नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे जो सोशल और इकोनॉमिक चीज़ें थी ना वो बहुत डिफरेंट थी, और जो प्रीस्ट वगैरह थे ना, पंडितों की बात बहुत कम मानी जाती थी। तो चलो ये लोग तो बच गए इस चीज़ों से। अभी आपको साइड से ये बाउल दिखाई दे रही है, ये पेंटेड ग्रे वेयर है, यानी कि जो प्लेट्स और बाउल होती थी ना वो ग्रे कलर से पेंट हुआ करती थी, और बहुत चिकनी चिकनी, बहुत स्मूथ हुआ करती थी, और स्पेशल ओकेजन पे इनको यूज किया जाता था स्पेशल फूड के लिए। जनपदास, अब जो राजा होते थे ना वो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, तो उन्हें बोला जाता था जनपदास। लेकिन अगर इसका लिटरली मीनिंग देखा जाए तो जना मीन्स होता है पीपल, और पदा मीन्स होता है फूट, यानी कि पैर। इसका मतलब जहां भी लोग अपना पैर रखेंगे वही लैंड उनका हो जाएगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सारे किले वगैरह देखे हैं, जैसे कि दिल्ली में हो गया पुराना किला, और मेरठ में हो गया हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा हो गया एटा में जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि लोग जो है वो हट बना के रहते हैं, यानी कि झोपड़ी बना के रहते थे, और कैटल रेयर कराते थे, और बहुत सारी क्रॉप भी ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सिस, शुगर केन, सीसम और मस्टर्ड। अब यहाँ पे कुछ पॉट भी पाए गए, यानी कि अर्थन पॉट जो घड़े बोले जाते हैं, वो कौन से कलर के थे, ग्रे या फिर रेड कलर के थे। और एक स्पेशल टाइप का पॉटरी मिला है जो कि पेंटेड ग्रेवेयर बोला जाता है। महाजनपदास, अब 2500 ईयर पहले क्या होता था कि कुछ जनपदास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे औरों के कंपैरिजन में, उन्हें बोला जाता था महाजनपदास, उनकी खुद की कैपिटल सिटी भी होती थी, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो गांधारा, कुरु, पांचाला, कौशाला और अंगा अवंती। अच्छा, अगर आपने महाभारत देखी है या फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि गांधारा क्यों फेमस है, महाभारत में बताया गया है, जो शकुनी मामा है ना वो यहीं के थे, और कुरु, कुरु का आप मुझे बताना, पांचाला का भी आप बताना। मैं थोड़ा आपको हिंट दे रही हूँ, यहाँ की एक रानी थी जिसका नाम था द्रौपदी, चलो मैंने बता ही दिया, लेकिन आप कुरु का बताना और एक अंगा का बताना, ये जो अंगा वाला एरिया है ना, कमेंट सेक्शन में, और अवंती का भी, कि ये महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों फेमस थे। अब जो फोर्ट्स होते थे ना, यानी कि किले, क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि जो राजा होते थे उनको थोड़ा डर होता था कि कोई उन पर अटैक ना कर दे, इसलिए बड़े बड़े किले बनाए जाते थे। लेकिन कुछ रूलर्स इसलिए बनवाते थे क्योंकि उन्हें शो ऑफ करना होता था कि हम बहुत ज़्यादा रिच हैं, हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इसलिए वो टॉल इम्प्रेसिव वॉल्स, उस पर बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन,
इस टाइप का अपना किला बनाया करते थे। अब राजा क्या करता था कि अपनी जहाँ पे पूरा जो उसका एरिया होता था वो फोर्टिफाइड करता था, मतलब कि बहुत लंबी लंबी वॉल्स बनवा देता था जिससे कि लोग अच्छे से रह पाए, प्रोटेक्टेड होकर रह पाए, कोई उन पर अटैक ना कर पाए। अब इन सारी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ना थाउजेंड्स लोगों की ज़रूरत होती थी, मैंस, वीमेन और चिल्ड्रंस इन सब चीज़ों में लगे रहते थे, और बहुत सारी ब्रिक्स की भी ज़रूरत होती थी। अब आप देख सकते हैं पर्सन है ये कितनी बड़ी वॉल बना रहा है, यानी कि जो किला है उसकी वॉल बना रहा है ये। ये कहाँ पर है? कौसाम्बी में है, अलाहाबाद वाले एरिया में। अब जो यहाँ पे नए नए राजा आए ना, उन्होंने आर्मीज स्टार्ट कर दी, यानी कि आर्मी बनाना स्टार्ट कर दी खुद की, और सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी मिला करती थी, और जो सैलरी मिलती थी वो कॉइन्स फॉर्म में मिलती थी, और उस पर एक पंच मार्क हुआ करता था। वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि कैसा पंच मार्क हुआ करता था। टैक्सेस, अब इतनी बड़ी आर्मी और इतने सारे किले, इनको मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो भी महाजनपदास ने क्या करा, टैक्स सिस्टम स्टार्ट कर दिया। अब टैक्स कैसे लिया जाता था? फर्स्ट टैक्स क्रॉप पे लगाया जाता था, जो कि फिक्स था 1/6, जिसको बोला जाता था भागा और शेयर। और क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स लगाया जाता था। अब क्राफ्ट पर्सन कैसे टैक्स देते थे वो देखते हैं हम। वो एक लेबर की फॉर्म में देते थे, यानी कि काम कर दिया करते थे राजा का। जैसे कोई अगर लोहार है तो वो लोहे का काम कर दिया राजमहल में जाके, तो इस फॉर्म में वो अपना टैक्स दिया करते थे। अब जो हर्डर्स थे वो कैसे टैक्स पे करते थे? वो एनिमल की फॉर्म में, यानी कि अगर जैसे राजा को एनिमल से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, जैसे कि अगर उन्हें दूध चाहिए, घी चाहिए, या फिर किसी एनिमल की स्किन चाहिए, तो हर्डर दे दिया करते थे। अब जो ट्रेडर्स थे वो एक जगह से सामान दूसरी जगह पे बेचते थे, तो उस पर टैक्स लगा करता था। और जो हंटर और गैदर्स हैं वो फॉरेस्ट से जो भी सामान आता था वो राजा को दिया करते थे एज अ टैक्स के फॉर्म में। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में दो बहुत बड़े बड़े चेंज हुए। एक तो आयरन प्लोशेयर आया, यानी कि लोहे का जो हल था वो आया, जिससे कि फार्मर्स बहुत अच्छे से क्रॉप को ग्रो कर पाते थे। और सेकेंड जो है ट्रांसप्लांटिंग पैडी, यानी कि चावल बोना स्टार्ट हो गया। अब इन सब चीज़ों से जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया। और यहाँ पे कौन लोग काम करते थे? जो स्लेव होते थे, मैन एंड वीमेन, जिनको लेबरर बोला जाता था, दास और दासी, वो लोग इस एग्रीकल्चर फील्ड में काम किया करते थे। अ क्लोजर लुक मगधा, अब जो मगधा था ना वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा था, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर थी गंगा और सोन थी, और जो यहाँ पे रिवर थी उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होता था, वाटर की सप्लाई तो बहुत अच्छी थी क्योंकि रिवर थी यहाँ, और लैंड भी बहुत फर्टाइल था, और मगधा में फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा थे, और अब फॉरेस्ट होंगे तो एलिफेंट्स भी बहुत होंगे, तो एलिफेंट जो होते थे ना उनको एज अ आर्मी में ट्रेंड किया जाता था, आर्मी में यूज़ किया जाता था। और फॉरेस्ट से बहुत सारे वुड वगैरह और बहुत सारे हाउसेस, कार्ट्स बनाए जाते थे, चैरियट्स यानी कि रथ भी बनाए जाते थे, और आयरन ओर की माइन भी थी यहाँ पर, जिससे कि स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन बनाए जाते थे। मगधा में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, बिम्बिसारा और अजातशत्रु। एक और यहाँ का रूलर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महापद्मनंदा। इसने पूरे नॉर्थ वेस्ट एरिया में अपना कंट्रोल किया हुआ था। राजगृह जो थी ना वो कैपिटल थी मगधा की। राजगृह आज जो है वो बिहार वाले एरिया में है, लेकिन उसके बाद ये जो कैपिटल है वो शिफ्ट होके पाटलिपुत्रा बन गई। 2300 ईयर पहले एक रूलर था अलेक्जेंडर, जो कि मैकेडोनिया में रहता था यूरोप में। देखा जाए तो उसने पूरे संसार पे, पूरे वर्ल्ड पे अपना राज जमा रखा था, जैसे इजिप्ट और वेस्ट एशिया वाले एरिया पे। लेकिन जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया ना, तो उसके शोल्डर्स ने ब्यास रिवर पे आके मना कर दिया। कहा कि हमने सुना है इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी आर्मी है, बहुत सारे रथ हैं उनके पास, बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, और जो शोल्डर्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अ क्लोजर लुक वाजी, अब जो वाजी की कैपिटल थी वो वैशाली में थी, जिसको आजकल हम बिहार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो डिफरेंट टाइप की थी, जैसे कि गाना और संगा। गाना उन्हें बोला जाता है, कोई ग्रुप है ठीक है, तो उसके मेंबर्स को बोला जाता है गाना, और संगा किसी एसोसिएशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है। अब इस एरिया में क्या होता था,
बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल रूलर हुआ करता था, यहाँ पे काफी सारे राजा हुआ करते थे और वो साथ में इकट्ठे होके कोई भी रिचुअल को परफॉर्म करते थे। या अगर किसी बात पे डिस्कस करना है तो सारे मिलके कोई भी डिस्कशन और डिबेट करते थे कि कैसे कैसे इस चीज़ों को ठीक किया जाए, या किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना होता था तो साथ मिलके किया करते थे। जैसे कि अगर कोई उनका एनिमी है, दुश्मन है और उनपे अटैक कर रहा है, तो वो डिस्कस करते थे कि कैसे उनको डराया जाए, जो एनिमी है उन्हें। और जो वीमेंस और दासस हुआ करती थी और जो कामाकरण यानी कि जो लेबरर होते थे, वो इस सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। जो बुद्धा और महावीर है ना, वो इस गाना और संगा से ही बिलोंग करते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब एक बुद्धिस्ट बुक है दीघा निकाया, जिसमें वाजिस के बारे में बताया गया है, और ये लिखी गई थी 2300 ईयर पहले। अजातशत्रु एंड द वाजिस। अब जो अजातशत्रु था ना, वो अटैक करना चाहता था वाजिस पे, इसलिए उसने अपने मिनिस्टर वसाकारा को भेजा बुद्धा के पास। अब जो बुद्धा थे ना, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक फुल असेंबली होती है, ये सारी चीज़ें, कि जब तक ये सब चीज़ें होंगी तब तक कोई अटैक नहीं हो सकता यहाँ पर। जैसे कि लोग जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और कुछ भी होता है तो साथ में इकट्ठे होकर कोई मीटिंग करते हैं, और रूलर्स जो हैं वो एक जो भी कुछ होता है उसको फॉलो करते हैं, जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको सुनते हैं अच्छे से। और वीमेंस होती हैं उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता है यहाँ पर, और जो लोकल श्राइन्स होते थे, मंदिर होते थे, उन्हें अच्छे से मेनटेन किया जाता था, और वाइस संत होते थे, जो संत वगैरह होते थे उनको भी रिस्पेक्ट किया जाता था। तो यहाँ पर तो देखो, एक तरीके से कैप्चर करना तो बहुत ही मुश्किल था राजाओं का, जो पावरफुल किंगडम्स थे वो नहीं कर पाते थे यहाँ पे राज, क्योंकि यहाँ के लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन फाइनली लास्ट में गुप्ता रूलर्स ने इन्हें हरा ही दिया, गाना और संगा को कैप्चर कर लिया। एल्सवेयर, अब इसमें बताया गया है कि ग्रीस और एथेंस में ना 2500 ईयर पहले डेमोक्रेसी हुआ करती थी, लेकिन वो सिर्फ 200 ईयर के लिए रही। अब इसमें क्या था कि जितने भी मैंस थे ना, जो 30 ईयर के ऊपर होते थे, उन्हें सिटीजन माना जाता था, और जो यहाँ की असेंबली में मीटिंग हुआ करती थी वो 40 टाइम्स हुआ करती थी एक साल में, और जो सिटीजन्स थे वो इस मीटिंग को अटेंड करते थे, और जो यहाँ के मेंबर्स थे उन्हें लॉटरी के थ्रू चूज किया जाता था। सिटीजन्स थे वो आर्मी और नेवी में हेल्प किया करते थे, और वीमेन्स सिटीजन नहीं कंसीडर की जाती थी। सोचो, वुमेन्स का तो हर जगह ही मरना है, पहले भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, अभी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। और जो फॉरनर्स होते थे उनको भी इसमें कंसीडर नहीं किया जाता था। अब कुछ स्लेव्स थे, उन्हें भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया गया है, जैसे कि जो माइंस में, फील्ड में, हाउस होल्ड और वर्कशॉप में काम किया करते थे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।